प्रिय मित्रों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा कि मई के महीने में चार ऐसी राशियां हैं, चार ऐसी लग्न हैं। राशि तो उनकी हैं जिनकी कुंडली बनी हुई है, और जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली के अंदर सरस्वती योग बनेगा। बहुत ही ज्योतिष में बेहतरीन योग होता है सरस्वती योग। इस योग में क्या होता है वो बता देता हूं, ये बनता कैसे वो भी बता देता हूं। केंद्र के स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10, त्रिकोण होते हैं 1, 5, 9। इन स्थानों में 3 शुभ ग्रह यानी बुध, शुक्र और बृहस्पति, अगर ये बैठे हों किसी भी तीन स्थानों में, तीनों ग्रह बैठे हों, तो ये सरस्वती योग बनता है। इस योग के अंदर व्यक्ति की बाणी जो बोल देती है वही होता है। आज मैं मई के महीने में कौन सी वो लग्न होंगी जिनमें बच्चे पैदा कर सकते हैं आप, जिनकी डिलीवरी है और जिनकी कुंडली में, गोचर में कुंडली बनी हुई है, उनकी जो राशियां हैं वो कौन सी चार भाग्यशाली राशियां जिनमें ये सरस्वती योग बनेगा और उनको इसको लाभ मिलेगा, वही मैं जानकारी दूंगा। मित्रों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें, और आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को, दोस्तों को, देश विदेश में इसको शेयर भी करें। ज्ञान देने वाला ये एपिसोड है। विषय पे आता हूं, जैसा कि मैंने बताया सरस्वती योग। गोचर में अगर आपकी राशि कर्क है तो इसमें सरस्वती योग बन रहा है। भाग्यस्थान का स्वामी बृहस्पति अपने मित्र के घर में है, और भाग्यस्थान पर यानी केंद्र स्थान पर बुध, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। चारों शुभ ग्रह त्रिकोण में है। बहुत ही शानदार सरस्वती योग। इस योग का परिणाम क्या मिलेगा आपको, आपकी हायर एजुकेशन, भाग्योदय, धार्मिक यात्राएं, संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। आप बहुत लकी हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे और भी जानकारी देनी है। अगर आपने अभी अभी मेरा एपिसोड देखा है या किसी ने भी देखा है और गर्भवती कोई महिला है और उसकी डिलीवरी ड्यू है 1 तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख को, 4 तारीख को, 10 तारीख तक अगर डिलीवरी ड्यू है ये, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं कि कर्क लगन में ही बच्चा डिलीवर हो तो ये सरस्वती योग निश्चित तौर पर उनको मिलेगा, सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। अगली राशि की मैं बात करता हूं, वो है भाग्यशाली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि में बृहस्पति विराजमान है, यानी राशि में बृहस्पति है। त्रिकोण 1, 5, 9 यानी पंचम भाव में चंद्र, शुक्र, बुध का योग है। चारों शुभ ग्रह त्रिकोण में और केंद्र में हैं। आपके लिए भी बहुत शानदार योग बनता है। आपको धन की वृद्धि होगी इस सरस्वती योग में। आपकी वाणी पर सरस्वती का वास होगा। आप जिसको जो आशीर्वाद दे दोगे वो आशीर्वाद आपका फलीभूत हो जाएगा, और आपने अगर गलत आशीर्वाद दे दिया, साप दे दिया किसी को, वो भी लग जाएगा। इसलिए आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। अगली हमारे पास है वो लकी राशि, वो है कुंभ। कुंभ राशि वालों, आपके द्वितीय भाव में 3 शुभ ग्रह बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन पर बृहस्पति की दृष्टि है। केंद्र में बृहस्पति है, द्वितीय भाव में 3 शुभ ग्रह, इसमें भी सरस्वती योग बनता है। आपकी वाणी पर शुभ ग्रहों का, चारों शुभ ग्रहों का प्रभाव है। इस समय अगर आपने किसी को बोल दिया तथास्तु जा, तुम्हारा काम हो जाएगा, इस लगन में प्रश्न ज्योतिष करने वाले ने अगर ये बोल दिया तुम्हारा काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। ये इस समय एक ऐसा योग आ रहा है, इसको बोलते हैं अमृत वर्षा वाणी के ऊपर आना। तो इस योग का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप रिसर्च करें, अगर आप ज्योतिषी हैं आप देखिए कि इस लगन के अंदर, 2 घंटे की लगन के अंदर आपकी कितनी भविष्यवाणियां सटीक होती हैं। अगली हमारे पास है बहुत भाग्यशाली राशि मीन।
मीन राशि, आप ही की राशि के अंदर तीनों शुभ ग्रह बैठे हैं और भाग्यस्थान पर बृहस्पति नवम भाव में। चारों ग्रहों का नवपंचम योग 1, 2 और 3 तारीख को बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, शानदार योग। मान सम्मान में अपार वृद्धि, शोहरत ज्ञान का डंका बजता रहेगा आपका। क्या शानदार योग है। अगर आप बच्चा डिलीवरी करना चाहते हैं, आपका ड्यू है और ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, तो मीन लगन को ही लें आप। मीन लगन, मीन राशि, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मित्रों, ये था सरस्वती योग का कमाल। इसमें मान सम्मान जबरदस्त मिलता है, ज्ञान ऊंचाइयों को छूता है। आप भी चाहते हैं कि डिलीवरी बच्चे की, तो आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। इन चारों में से कोई भी अगर आप एक लगन चूज करते हैं तो बच्चों को बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी। आप भी जानना चाहते हैं कि आपका गोचर के अंदर इस ग्रह का, इस सरस्वती योग का आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, अपनी कुंडली लेकर के आप मिल सकते हैं। शुभ ग्रहों के संयोग से गोचर में अमृत की वर्षा होती है, धन की वर्षा होती है, स्वास्थ्य की वर्षा होती है। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वास्तु भेंट करा सकते हैं, हमारे विद्यालय में पत्राचार कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार के कष्ट के लिए, निवारण के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारी किताबें खरीद सकते हैं, वीडियो CD हैं उनको खरीद सकते हैं। अब इजाजत है, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगा नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 11 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 11 किताबों का मूल्य 2800 रूपए और फलित ज्योतिष की 22 सीरीज का मूल्य 2500 रूपए, चेक, DD, मनी ऑर्डर या हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 03780500321 या फिर हमारे SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रूपए या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, Sector 12, नोएडा। फोन नंबर 2530666, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811414156। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 2563815157, मोबाइल नंबर 9212860090, 9811414156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 2670-7930, मोबाइल नंबर 9820114429। दर्शकों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर ज्योतिष सीख सकते हैं या आप Facebook, Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं।